चलो हेडिंग लिख दीजिए अपनी कॉपी के अंदर, एक छोटा सा पॉइंट बनाकर, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, और वन मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ले लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिख लो फटाफट अपनी कॉपी में, लिख सभी लोग लिख लेना, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, वन या टू मार्क्स में पूछा जाएगा आप लोगों से। लिख लिया भाई, जिन लोगों ने ये लिख लिया है मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं, उससे पहले आप मुझे ये क्वेश्चन जरा रिपीट करके दिखाइए जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। प्लस कैपिटल क्यू प्लस फोर क्यू और बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर रखा है स्मॉल क्यू, याद है? पूरा सिस्टम कायम रहना चाहिए। और ये डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको? हाफ हाफ, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मुझे बताइए स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी?
हो गया, क्या आंसर बना? माइनस क्यू बाय फोर कहाँ से बन जाएगा, एक क्यू है दूसरा फोर क्यू है। क्या बना जल्दी का, क्यू बाय फोर ही आ रहा है। आदित्य मुझे यार अजीब सा लग रहा है, हो सकता है कि आंसर हो लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये होना चाहिए। प्लस प्लस इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा इस तरफ, तो पहला फोर्स बन गया के इंटू फोर क्यू अपॉन टू आर का होल स्क्वायर, के क्यू इंटू फोर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो हमारे पास में बचा यहाँ पर क्यू, ठीक है ठीक है ठीक है, क्यू बाई फोर ही है। ठीक है, सबका निकल गया या मैं करके दिखाऊँ? सबका हो गया। इधर हिताक्षी हो गया तुम्हारा, इस लड़की का नाम क्या है? हो गया पीछे सबका हो गया। ठीक है, करें क्लास स्टार्ट। ठीक है भाई, देखो पढ़ के आना, मतलब इसी इस बैच का फायदा सच में आप लोगों को तब होगा जब आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर इस बैच में और उस बैच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आप पढ़ के आओगे, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उसे अच्छे से अपडेट रखोगे, तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा इस बैच का। और अगर नहीं पढ़ोगे फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, पिछले एक दो साल से ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में डाला जा रहा है, बोर्ड में नहीं आया, सैंपल पेपर में डाला जा रहा है, जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि आपको ये बताना है कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो हम बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करेंगे, सिर्फ छोटे छोटे दो पॉइंट में अपना आंसर देंगे। पहली बात तो ये कि जब हमारी बॉडीज रिलेटिवली मूव करती हैं, क्या करती हैं? रिलेटिवली मूव, रिलेटिवली ऐसे मूव करती हैं कि क्या तो उनके बीच की सेपरेशन बढ़ रही हो या उनके बीच की सेपरेशन कम हो रही हो, तब हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। देखो मूव करना दो तरीके से है, एक तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे, अगर बॉडी ऐसे मूव करेगी बताओ उनके बीच का गैप कम होगा या नहीं होगा? ठीक है, और एक मूव करना हो गया ऐसे ऐसे, क्या इनके बीच के गैप पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? ऐसे ऐसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इनके बीच पर। जब इनके बीच का गैप नहीं बदलेगा तो तब मतलब जब तक इनके बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा तब तक हमारा कूलम्स लॉ भी एप्लीकेबल रहेगा, और जब इनके बीच का गैप कम होना स्टार्ट हो जाएगा या ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ कूलम्स लॉ हो जाएगा फेल। तो हम ये कहते हैं कि जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, कैसा मोशन हो रहा हो, उस कंडीशन में कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है कि जो बहुत बड़े चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, बड़े बड़े जो चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं ना, जो लार्ज स्केल पर हम जब चार्ज की बात करते हैं, वहाँ भी हमारा कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रो यानी बड़ा लेवल, बड़े लेवल पर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, और रिलेटिव मोशन के लिए जब चार्ज बॉडीज के बीच में कैसा मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, उसके लिए भी हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, अगर ये लिख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो दो पॉइंट बनाकर अपने आप से लिख दो अपनी कॉपी के अंदर, कौन सी कंडीशन के लिए, एक तो जब रिलेटिव मोशन होगा उनके बीच का सेपरेशन कम होगा या सेपरेशन बढ़ेगा तब हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। एक बड़े लार्ज स्केल पर, क्या बोलते हैं लार्ज स्केल को फिजिक्स में? मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होने वाला है। ओके, अरे ठीक है भाई, समझ गए हो? चलिए, तो आज हमारे पास में ज्यादातर प्रॉब्लम एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं आज हमारे पास में जो हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन एक दो बाहर से भी है लेकिन ज्यादातर एनसीईआरटी से है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों को दे रखा है। जो क्वेश्चन आसान होगा, वैल्यू बेस्ड होगा, फॉर्मूला लिख दूंगा, उसकी वैल्यूज अपने आप पुट करके आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, दिया है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। लो भाई, उनके बीच का गैप हमें दे दिया 50 सेंटीमीटर। ओके, हमें बताना है कि उनके बीच में फोर्स कितना काम करेगा अगर दोनों बॉडी पर इतना चार्ज है, ऑन ईच। ठीक है, चार्ज ऑन ईच इज दिस, अगर हर एक बॉडी पर इतना चार्ज है, यानी चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। ठीक है,
और इनके बीच की सेपरेशन हम लोगों को दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा ना, उसकी वैल्यू होती है ये 9 × 10⁻¹। चार्ज इंटू चार्ज यानी क्यू स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारे पास में आर स्क्वायर। अब मुझे उम्मीद है कि कर पाओगे यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। हम पिछले दो दिन से तो कम से कम हम इसकी बात कर ही रहे थे। कर लोगे या कैलकुलेशन में मैं करके दिखाऊं? जो क्वेश्चन ऐसा है कि कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वो करना पड़ेगा आप लोगों को ही। कर लोगे ना? क्यू की जगह क्या पुट करोगे ये बताओ? 6.5 × 10⁻¹ और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को काहे में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। यहां पुट कर देना, न्यूटन में आंसर निकल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, हो जाएगा ना? ओके, चलिए इसके बी पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। सिर्फ मेनली मैंने बी पार्ट के लिए ही रखा था, और ये बी पार्ट कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, ए पार्ट तो बड़ा इजी है इसका, बी पार्ट में थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा। क्या है भाई बी पार्ट, जरा समझ लेते हैं। व्हाट इज द रिपल्शन फोर्स इफ ईच स्पेयर इज चार्ज डबल द वैल्यू अमाउंट, यानी पुराने चार्ज का हमने अब नया चार्ज डबल कर दिया। पहले चार्ज एक बॉडी पर Q था, अब हमने चार्ज कर दिया है 2Q। कितना कर दिया है? और उनके बीच के डिस्टेंस को हमने कर दिया है हाफ। ठीक है, चलिए हम कहेंगे भाई नया फोर्स रहेगा F डैश, 9 × 10⁻¹ कांस्टेंट है। हमने एक बॉडी पर चार्ज कर दिया है 2Q, दूसरी बॉडी पर भी हमने चार्ज कर दिया है 2Q, और इनके बीच की सेपरेशन को हमने कर दिया है R/2 होल स्क्वायर। बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? 9 × 10⁻¹, एक बॉडी पर पुराने चार्ज का हमने कितना कर दिया डबल, 2Q, दूसरी पर भी कितना कर दिया 2Q, और इनके बीच के डिस्टेंस को कर दिया हम लोगों ने आधा। ठीक है, चलो देखो, एफ डैश इज इक्वल टू, हाँ भाई बच्चों, 2 × 2, 2 का स्क्वायर करोगे, ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 16। अंदर क्या बचेगा हमारे पास में? 9 × 10⁻¹, q × q, और अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर। अब बताओ ये वैल्यू हमारे पुराने वाले फोर्स की थी या नहीं थी? यानी जो नया फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स का कितने टाइम्स हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा। आपने ये वाला फोर्स तो निकाल ही दिया होगा कैलकुलेशन करके, बस यहां पुट करना, न्यू फोर्स निकल जाएगा, और न्यू फोर्स पुराने फोर्स का कितना होगा? 16 टाइम्स होगा। हो जाएगा ना? देखो क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं करना है, और ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर, कर पाओगे ना? हर तरीके की क्वेश्चन को हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जो इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, बन जाएगी प्रॉब्लम आराम से। क्वेश्चन को कंप्लीट करना भैया, ऐसे पूरी की पूरी प्रॉब्लम को आप कंप्लीट जरूर करेंगे। कल से अपने साथ में अपनी NCERT की बुक लेकर आना। अगर क्वेश्चन नोट करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा उसके अंदर, वहीं के वहीं टिक कर लेना उसके ऊपर कि ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगेगा वो नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। तो नया फोर्स पुराने फोर्स के 16 टाइम्स होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और कोई परेशानी आपको नहीं होगी, कर पाओगे आराम से। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, नोट कर लेना और वहां से फिर आप लोग NCERT से कर पाओगे। चलो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो क्या है प्रॉब्लम, जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन क्वेश्चन 4 हैव आइडेंटिकल साइज। भाई मान लो कि यह है हमारे पास में स्पेयर ए, भाई आवाज मत करो जरा ध्यान से, और यह है हमारे पास में स्पेयर बी। ठीक है, दोनों का साइज बिल्कुल आइडेंटिकल है। ए थर्ड स्पेयर ऑफ द सेम चार्ज सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। ठीक है, देखो फाइनली हम लोगों से क्या पूछा है बच्चों, आप लोग ये देखो, मैं आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि वो इस क्वेश्चन में प्रीवियस प्रॉब्लम की बात कर रहा है, जो जस्ट अभी हम प्रॉब्लम पढ़ के आए हैं, वहां आप लोगों ने देखा इस पर भी चार्ज सेम था, 6.5, कितना 6.5 था ना, 6.5 × 10⁻¹, मतलब दोनों पर चार्ज सेम था। हमने इसका चार्ज भी क्यू माना हुआ था और हमने इसका चार्ज भी क्यू माना हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि अभी भी इसका चार्ज क्यू है और इसका चार्ज क्यू है,
हमारे पास में एक तीसरा स्पेयर है सी जो पूरी तरीके से अनचार्ज है, इसका चार्ज हमारे पास में जीरो के बराबर है। किसके बराबर है? अब उसने कहा कि इन दोनों का साइज सेम है। दोनों का साइज कैसा है? पहले हमने सी को ए के कॉन्टेक्ट में रखा, पहले हमने सी को ए के कॉन्टेक्ट में रखा। जब हमने सी को ए के कॉन्टेक्ट में रखा तो दोनों को कॉन्टेक्ट में रखने से अगर दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज अगर सेम है तो इनका चार्ज क्या होगा? इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज डिवाइडेड बाय टू। बताओ इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज कितना है? टू से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा? क्यू बाय टू, क्यू बाय टू। यानी ए वाले पर भी कितना चार्ज आ गया? ए वाले पर आ गया है क्यू अपॉन टू। अरे कितना आ गया है? बी वाले पर कितना था हमारा? बी वाले पर है क्यू। और सी वाले पर भी कितना आ गया है? सी वाले पर भी आ गया है क्यू बाय टू। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया? प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक पहले हमने सी वाले को, शांति से बैठो, एक बार बता दिया ना, दोबारा नहीं कहूंगा बिल्कुल भी। पहले हमने सी वाले को ए वाले के कॉन्टेक्ट में रखा, जैसे ही सी वाले को ए वाले के कॉन्टेक्ट में रखा चार्ज का इंटरचेंज होगा, थोड़ा चार्ज इधर से उधर जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर दोनों का साइज सेम है तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका यह है कि दोनों के चार्ज को ऐड करो और टू से डिवाइड कर दो। इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज जीरो, दोनों को ऐड किया तो क्यू ही आया, क्यू को टू से डिवाइड किया, यहां भी क्यू बाय टू और यहां भी क्यू बाय टू। बताइए समझ में आ गई क्या बात? अब उसने ये कहा कि इसके साथ टच कराने के बाद ये जो सी वाला स्पेयर है हमने इसके साथ इसे कॉन्टेक्ट में रखा, हमने सी वाले को बी वाले के साथ कॉन्टेक्ट में रखा। अब बताओ सी पर कितना चार्ज ऑलरेडी आ चुका है? कितना चुका है? क्यू बाय टू आ चुका है, क्यू बाय टू। अब इस क्यू बाय टू वाले को हम बी वाले के कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो दोनों के चार्ज को एड करो, क्यू बाय टू प्लस क्यू, थ्री क्यू बाय टू, और टू से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? थ्री क्यू बाय फोर। कितना आ गया? यानी पहले सी वाले को इसके कॉन्टेक्ट में रखा तो दोनों पर क्यू बाय टू आ गया। अब इस वाले को इसके कॉन्टेक्ट में रखा तो दोनों के चार्ज को एड करके टू से डिवाइड कर दो, तो यहां आ जाएगा अपने पास में थ्री क्यू बाय फोर। यह है बी, इनके बीच का सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर और Q की वैल्यू है हमारे पास में 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं है? अरे बताओ जल्दी से समझ में आया नहीं है? क्लियर? अब इनके बीच का हमें निकालना है फोर्स। क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे फोर्स, जरा ये बताओ। 9 इंटू 10 की पावर 9, एक चार्ज कितना है मेरे पास में, दूसरा चार्ज कितना है? 3 क्यू बाय 4, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। आंसर कहाँ में आएगा? बस Q की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? Q की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। फाइनल आंसर, फिनिश। जल्दी से बताओ समझ गए हो क्या? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक खास बात है और वो यह है कि सेम साइज, सेम साइज। अगर सेम साइज नहीं होगा, डिफरेंट साइज होगा, तो वो बात हम यहां नहीं सीखेंगे, वो हम कैपेसिटर में जाकर सीखेंगे, क्योंकि जिनका साइज अलग अलग होता है उनकी कैपेसिटेंस अलग अलग होती है। समझ में आ रही बात? यहां तक कैपेसिटेंस हम लोगों ने नहीं पढ़ रखी है, तो यहां हमसे वो सेम साइज के ही बारे में कहेगा। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों के चार्ज को जोड़ा, दो से डिवाइड किया, क्यू बाय टू, क्यू बाय टू। फिर सी वाले को बी वाले के चार्ज के साथ जोड़ा, टू से डिवाइड कर दिया, क्यू बाय फोर, थ्री क्यू बाय फोर। और दोनों के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला है ये, क्यू की जगह हमें ये पुट करना है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर? सबसे पहले कल आकर मुझे यही क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्यू की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल देंगे इसका। कर लीजिए नोट जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में कम से कम एनसीईआरटी तो आपकी पूरी तरीके से कवर हो ही जाएगी, एनसीईआरटी कुछ नहीं बचेगा। और आप ये मत समझो कि एनसीईआरटी कवर करने से कुछ नहीं होगा, अगर बोर्ड के लिए तुमने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली, एग्जाम बिल भी, उसके इंडेक्स भी, तो ये समझो कि तुम्हारा मेंस और नीट भी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है आप लोगों का, ना मेंस में आना है ना नीट में आना है। ठीक है, हो जाएगी ना प्रॉब्लम सॉल्व? बढ़ जाऊं मैं आगे? कोई परेशानी है तो बीच में मुझे रोककर बता दीजिएगा कि सर समझ नहीं आया, हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, ओके। देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में? कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन लॉ फॉर ग्रेविटेशनल
फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मास. कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन एंड फॉर टू प्रोटोन. कुछ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बना देंगे. ठीक है, हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है. हालांकि एक्सेलरेशन का एक सवाल मैं आपको करवा चुका हूं कि कैसे एक्सेलरेशन निकाला जाता है. फोर्स को एम ए के बराबर रखे, वहां से एक्सेलरेशन निकल जाता है. लेकिन ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूं, फिर आप कर लेंगे आराम से. ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. पहले आप ये देखिए कि प्रॉब्लम में हम लोगों से कहा क्या है. भाई हम लोगों को ये कहा है कि एक है अपने पास में इलेक्ट्रॉन, अरे क्या है भाई, और दूसरा है अपने पास में प्रोटोन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटोन का चार्ज प्लस ई, हमने इनके बीच के गैप को लेट कर दिया है आर. जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया, कोई परेशानी किसी को. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में काम करेगा अट्रैक्शन, क्या काम करेगा, और कूलम के लॉ के मुताबिक जो इनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा उसकी वैल्यू होगी ये 9×10⁻⁹ ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. क्लियर, 9×10⁹ Q1 की वैल्यू E, Q2 की वैल्यू E और इनके बीच की सेपरेशन यानी R का स्क्वायर. मैंने R अपनी तरफ से ना तो कोई लेट किया है और ना उसने मुझे दे रखा था, तो मैंने R ही रखा वहां पर. R की कोई वैल्यू मैंने लेट नहीं की है यहां पर. ठीक है, अच्छा अब इनके बीच में निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. भैया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने 12th में तो नहीं पढ़ा, 11th में जरूर पढ़ा था, न्यूटन लॉ में, ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन का जो लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, याद है किसी को? जी, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, प्रोटॉन का मास mp अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो ध्यान से, जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर फिनिश हो जाएगा फिनिश. क्या बचेगा अपने पास में, 9×10⁹ ई स्क्वायर, नीचे है जी एम ई अपॉन mp. थोड़ा कैलकुलेशन है इस चैप्टर के अंदर जो आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, अब आप ये देखो कि आप क्या करोगे. भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 2.56×10⁻¹38. ठीक है, 2.56×10⁻¹38, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10⁻¹90 स्क्वायर कर दिया. कुछ वैल्यूज याद कर लो ऐसे ही, वो फायदेमंद होगी आप लोगों के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा हमारा, 9.1 मत लो, 9×10⁻¹31. ठीक है, और प्रोटॉन का मास 1.6×10⁻²⁷. ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है. अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की जगह ये वाली वैल्यू पुट करोगे इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर की जगह, एम ई की जगह ये वाली वैल्यू रखोगे और एम पी की जगह ये वाली वैल्यू रखोगे. कैलकुलेट करोगे, यहां से इन दोनों का रेशो निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा बताओ, समझ में आ गई क्या बात. ठीक है, ठीक है, जी भी रख देना, बिना जी के कैसे निकल जाएगा भाई. कैपिटल जी एम ई एम पी सब है आपके पास में, वैल्यू पुट करोगे आंसर बन जाएगा. अच्छा मैंने वो एक्सेलरेशन वाला सवाल बता रखा है तो दोबारा नहीं बताऊंगा. एक क्वेश्चन दोबारा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे. तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, फोर्स निकालना है, एम ए के बराबर रखना है, वहां से एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे, कर लोगे ना.
बढ़े आगे, समझ आ गया? देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है अपने पास में? अरे आवाज नहीं करो भाई, ठीक है? क्या है प्रॉब्लम जरा देखिए। टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2×10⁻⁵ N। देखो इस लाइन को मत भूलना, इस लाइन में सब कुछ आप लोगों को कहा गया है। कैसे चार्ज है भाई? इक्वल चार्ज का मतलब है एक पर क्यू मानेंगे तो दूसरे पर भी क्या मानेंगे? दूसरे पर भी हम लोग क्यू ही लेट करेंगे, ठीक है? ओके, उनके बीच में इतना फोर्स काम कर रहा है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर सी इज टच्ड विद ए एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द ए एंड बी। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन सी। देखो आप लोगों से कितनी जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही मायने में बिल्कुल परफेक्ट प्रॉब्लम है बोर्ड के लिए, ठीक है? अब कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, पहले आप देख लीजिए। देखो ध्यान से, प्रॉब्लम यह है कि भाई सबसे पहले हमारे पास में एक स्पेयर है ए, इस पर चार्ज है क्यू। हमारे पास में दूसरा स्पेयर है बी, इस पर भी चार्ज है क्यू। इनके बीच की सेपरेशन हम लोगों को दे रखी है आर, समझ रहे हो आप लोग? एक तीसरा स्पेयर है सी जो पूरी तरीके से अनचार्ज है। पहले हमने सी वाले को इसके कॉन्टैक्ट में लेकर आए, तो बताओ इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाने से क्या होगा? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? ये अनचार्ज है, इसका चार्ज जीरो है, इसका चार्ज कितना है? क्यू। दोनों के चार्ज को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टू। यहां भी कितना आएगा? क्यू बाय टू। यहां भी कितना आएगा? क्यू बाय टू। हमारे पास में जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। ए वाले का जो चार्ज हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा क्यू बाय टू। अरे कितना होगा? बी वाले को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया, तो बी का चार्ज है हमारे पास में क्यू, ठीक है? और जो सी वाला है, जो हमने इनके बीच में रखा है सी वाला, इस सी वाले का चार्ज अब हो गया है क्यू बाय टू। सी वाले का जो चार्ज हो गया है वो कितना हो गया है? क्यू बाय टू। बताओ ये कहानी कहां से आई, ये समझ में आ गई क्या आप लोगों को? कोई परेशानी है किसी को तो बता दीजिए आप हमें। सबको क्लियर हो गया कहां से आया? ठीक है, हमें इस कंडीशन के लिए एक इक्वेशन दे रखी है, और वो क्या है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसकी कुछ वैल्यू हमें दे रखी है, वो हमने F मान लिया। कितना मान लिया? हालांकि वैल्यू मुझे दे रखी है लेकिन मैंने F मान लिया, बाद में पुट करेंगे। 9×10⁹ चार्ज कितना है? यहां कितना है? सेपरेशन कितनी है? कितना हो गया? इक्वेशन नंबर बताइए, समझ आया नहीं? क्लियर है? अब जरा यहां देखिए, ये बताइए इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अरे कैसा है? पॉजिटिव है। इस पर भी कैसा है? इस पर भी कैसा है? हमें सी पर निकालना है टोटल फोर्स। इस पर निकालना है हमें, जो टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है वो सी पर करना है। तो कैसे करेंगे सी पर टोटल फोर्स फाइंड आउट? जब ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस पर सी वाले पर एक फोर्स काम करेगा इधर। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा कहां? इधर। तो C पर एक फोर्स इधर काम करेगा, करेगा इधर काम। अच्छा यहां कैसा चार्ज है और ये भी कैसा है? ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, एक फोर्स काम करेगा इस तरफ F2। तो बताओ C वाले पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? दो। एक B की A की वजह से C पर काम कर रहा है इस तरफ, एक B की वजह से C पर काम कर रहा है इस तरफ। बताओ दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है या नहीं है? अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है तो नेट फोर्स अपने पास में कितना हो जाएगा? F1 - F2। नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F1 - F2। अब जरा देखते हैं कि F1 कितना होगा। F1 होगा 9×10⁹ F1 इन दोनों के बीच में है, इसकी वजह से इस पर रिपल्शन इधर काम कर रहा है, ठीक है? 9×10⁹ ये चार्ज कितना है? Q/2। ये चार्ज कितना है? Q/2। और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? R बाय। देखो भाई पूरी सेपरेशन कितनी है? R। तो ये कितनी हो गई? हाँ? और ये तो R/2 का स्क्वायर। ये F1 की वैल्यू है, नहीं समझे? अब F2 पर आ जाइए, बताइए F2 कितना होगा, जल्दी से बताइए F2 कितना होगा। माइनस 9×10⁹
एक चार्ज कितना है, दूसरा चार्ज क्यू बाय टू इंटू क्यू, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, आर बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन क्या आ सकता है मुझे ये बता दीजिए आप, कॉमन क्या आ सकता है? एक तो 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन आ सकता है, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और नीचे से r स्क्वायर कॉमन आ सकता है। क्यों भाई, आ सकता है या नहीं आ सकता है? समझ में आ रही है सभी लोगों को बात? कोई परेशानी है तो बता दीजिए आप हमें अभी। चलिए ये बताइए, 2 इंटू टू फोर हो गया, 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, क्या बचेगा? क्लियर? ठीक है, आगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर क्या है देखो, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, यहां है अपने पास में 1/2, क्या है अपने पास में, और यहां है 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। बताओ है या नहीं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? 4 की मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी, और 2 नीचे है, ये हम ऐसे कर देते हैं, कट कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कहां कर देते हैं, ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस के 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी सी पर देखो बिल्कुल वही वैल्यू निकल कर आई है जो हमारा पुराने वाला फोर्स था। आई है या नहीं आई है? माइनस में तो ये सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि मैंने छोटे में से बड़े को माइनस किया है, छोटी वैल्यू में से मैंने बड़ी वैल्यू को माइनस किया है, F1 में से मैंने F2 को माइनस किया है, सही मायने में F2 में से F1 को माइनस करना था। समझ में आ रही बात? इस माइनस को आप मत देखो, आप देखो कि F डैश की वैल्यू बिल्कुल उसी वैल्यू के इक्वल आ गई जो इन दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा था, यानी C वाले चार्ज पर बिल्कुल उतना ही फोर्स काम करेगा जितना इन दोनों के बीच में काम कर रहा था। समझ में आ रही बात? जितना फोर्स इन दोनों के बीच में काम कर रहा था ना, सी वाले पॉइंट पर भी बिल्कुल उतना ही फोर्स काम करेगा, क्योंकि बिल्कुल वही वैल्यू हमारी निकल कर आ गई जो उन दोनों के बीच में काम कर रहा था। सो एफ डैश इज इक्वल टू एफ, एफ डैश इज इक्वल टू सी वाले पॉइंट पर इतना ही फोर्स काम करेगा जितना इनके बीच में काम कर रहा था। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है क्वेश्चन की अच्छे तरीके से? बिल्कुल कोई परेशानी किसी को? क्या किया सबसे पहले हम लोगों ने, सी वाले को किसके कॉन्टेक्ट में लेकर आए, तो कितना चार्ज आ गया, क्यू बाय टू वहां आ गया, क्यू बाय टू इस पर आ गया, और कहां रख दिया, बीच में। इसकी वजह से रिपल्शन कहां काम कर रहा है, इधर। इसकी वजह से रिपल्शन कहां काम कर रहा है, इधर। दोनों का रिजल्टेंट निकाला, माइनस किया, कॉमन लिया जो आ सकता था, और बिल्कुल वही वैल्यू हमारे सामने आ गई। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन करिए, एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे बिल्कुल ऐसा ही जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया है। मैं नोट कर लो, मैं इसके बाद क्वेश्चन दिखा दूंगा। बोलो कहाँ से, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कॉमन आ गया, 1 बच गया, और इसमें से ये 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 और ये कॉमन आ गया, ये बचा हमारे पास में, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/2, और 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ आ गया 1/4, ये कैंसिल आउट 2, ये पहुँच गया 2 ऊपर, ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला गया, और 1 में से 2 को माइनस किया तो -1। ओके, सबका हो गया? प्रॉब्लम दिखाऊं मैं आप लोगों को? ठीक,
क्वेश्चन नोट कर लो पहले, फिर बताता हूँ। नोट कर लिया भाई सभी ने? देखो इस बार क्वेश्चन को ना हमने हल्का सा चेंज कर दिया। अगर प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ गई तो आप कैसे बनाएंगे? एक स्पेयर कौन सा है, एक कौन सा है, दोनों पर चार्ज कितना है, सेपरेशन कितनी है, बताओ इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा? इनके बीच में फोर्स काम करेगा के, के का मतलब है 9 × 10⁻¹। ठीक है, मैंने 9 × 10⁻¹ को के लिख दिया। यहाँ का चार्ज कितना है, क्यू, यहाँ का चार्ज कितना है, क्यू, ये हो गया क्यू स्क्वायर। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, आर स्क्वायर। इतना फोर्स इनके बीच में काम करेगा, काम करेगा इनके बीच में इतना फोर्स। ठीक है, अब उसने ये कहा कि हमने पहले सी को ए के कॉन्टैक्ट में रखा। ठीक है, सी पर कितना चार्ज है, ऑलरेडी क्यू चार्ज है, सी पर कितना चार्ज है, क्यू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। डी पर भी कितना चार्ज है, डी पर भी क्यू चार्ज है, सी पर भी क्यू चार्ज है, डी पर भी क्यू चार्ज है। ठीक है, अब हमने डी को कॉन्टैक्ट में रखा बी के, डी को बी के कॉन्टैक्ट में रखा, और कॉन्टैक्ट में रखने के बाद में चारों को इस तरीके से लगा दिया कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो इक्वल है आपस में। इनके बीच की जो सेपरेशन है, यानी ये सेपरेशन, ये सेपरेशन और ये सेपरेशन बिल्कुल इक्वल है आपस में, समझ में आ रही बात? तो डी वाले पॉइंट पर आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना काम कर रहा होगा। पहले ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आ गया, सबसे पहले हमने इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, ये बताओ सी पर कितना चार्ज है, ए पर कितना चार्ज है? अरे जब दोनों पर क्यू चार्ज है तो दोनों को कॉन्टैक्ट में रखकर भी कोई फायदा नहीं होगा, चाहे रख के देख लो। इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, क्यू प्लस क्यू कितना आ गया, टू से डिवाइड करो फिर क्यू आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? दोनों पर सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज वाली बॉडीज को, सेम चार्ज और सेम साइज वाली बॉडीज को अगर आप कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इस पर क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू। ठीक है, ये बताओ इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या थी, आर थी? अरे थी भाई, ये कितनी हो गई, आर बाय टू, ये कितनी हो गई और ये भी कितनी हो गई। आगे समझ में? अब ये बताओ कि किस पर फोर्स निकालना है, डी पर। किस पर निकालना है, अगर डी पर निकालना है तो डी के आसपास और कितने चार्ज रखे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो इन तीनों की वजह से डी पर निकालेंगे। ठीक है, बताओ ए पर कैसा चार्ज है, जब इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पर निकालेंगे तो डायरेक्शन जाएगी इधर एफ वन। आगे समझ में? ये भी कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, जब इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पर निकालेंगे डायरेक्शन इधर जाएगी, ये रही इधर F2। समझ में आ रही बात? ये कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, बताओ सात्विक, जब इसकी वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन किधर जाएगी, अगेन इधर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में F3। तो बताइए D वाले पॉइंट पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तीन, एक का नाम क्या है F1, एक का नाम क्या है F2, एक का नाम क्या है, तीनों की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस, चलो बेटा F1 बताओ क्या लिख सकते हैं F1 को, K। ठीक है, K, यहां का चार्ज कितना है, Q, और वहां का चार्ज, और सेपरेशन कितनी है इनके बीच की, ये सेपरेशन है बेटा, ये F1 फोर्स ये है, R बाय टू, R बाय टू, R बाय टू, 3R बाय टू का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में, पक्का? अब दूसरे वाले की वजह से यहां निकालो, के चार्ज कितना है, वहां कितना है, क्यू स्क्वायर, गैप बताओ कितना है, आर स्क्वायर, शाबाश। के यहां कितना है, क्यू, यहां भी कितना है, क्यू, क्यू स्क्वायर, गैप बताओ कितना है इनके बीच में, आर बाय टू का होल स्क्वायर। आ गया, तीनों को प्लस क्यू किया हमने, तीनों एक ही डायरेक्ट, कॉमन क्या आएगा तीनों में से, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा, ऊपर लिख दूं, ऊपर लिख देते हैं। चलो, हमने लिखा टोटल फोर्स इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉमन आ चुका है। ठीक है, अच्छा कॉमन आ गया, तो यहां थ्री है और यहां टू है, और स्क्वायर करेंगे तो दो का स्क्वायर चार, ऊपर पहुंच जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन, ये बन जाएगा फोर अपॉन नाइन।
जल्दी बताओ समझ चुके हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। क्या बचा इसकी जगह? वन प्लस, और टू का स्क्वायर करेंगे फोर, वो पहुंच जाएगा ऊपर। अरे भाई समझ चुके हो? अब बताओ ये इन दोनों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा था? एफ। अरे इन ए और बी के बीच में कितना काम कर रहा था? ये वैल्यू हमारी एफ के इक्वल थी या नहीं थी? सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ, इन तीनों को ऐड कर लेना, 4/9 प्लस 1 प्लस 4, ऐड तो कर लोगे, टोटल आंसर आ गया। हो गया, क्या बना भाई? क्या बात है, कुछ मजाक चल रहा है या क्लास के अंदर? ये जोक बुक सुना रहा हूं मैं, सात्विक कोई जोक बुक सुना दिया मैंने है? यार तो इसमें हंसने की तो कोई बात ही नहीं है, या हंसने की बात होती है इसमें भी? 39 एक का आ रहा है, एक का 49 आ रहा है, तो उसमें भी हंसने की बात है। बना लोगे? समझ आ गया इस तरीके का क्वेश्चन? ठीक है, गुड। अभी नहीं, याद रखना सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है, भूलना नहीं है इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को। आगे बढ़ जाऊं? सबने कर लिया नोट? पीछे शिवांक कर लिया है? चलो नोट कर लो पहले प्रॉब्लम, फिर बताता हूं मैं आप लोगों को। हो गया, बढ़े अब। चलो देखो कैसे बनाएंगे आंसर अब हम लोग। कर लिया ना सभी ने नोट? क्वेश्चन अच्छा है और इस तरीके का सवाल भी आ जाता है कई बार। अब देखो जरा ध्यान से कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करिए आप, ठीक है? और अगर हम रफ डायग्राम बनाएं तो सिचुएशन हमें कुछ ऐसी दे रखी है और हमें कहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, और बी और सी का जो मिडिल पॉइंट है उसका नाम है डी, ठीक है? बी और सी का जो मिडिल पॉइंट है उसका नाम क्या है? डी, ठीक है? यहाँ पर, यहाँ एक पॉइंट हमें दे रखा है ए, और इस ए पॉइंट पर थोड़ा सा मैं अलग सा करके दिखा देता हूँ यार, यहाँ दिखा देता हूँ, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज है। कितना चार्ज है? 1 कूलम। थोड़ा सा ना अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू का तरीका ना लगाकर किसी टर्म का तरीका लगाएंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को आसान लगे। अगर न्यूमेरिकल से करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल से कर लो, बाकी कोशिश ये करो कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल लास्ट में पुट करनी पड़े, आप स्टार्टिंग से पुट करके ना चलो, उसमें ना लंबा हो जाता है सवाल, कोई फायदा नहीं होता उससे। आपको कहा कि बी वाले पर रखा है प्लस 100 माइक्रो कूलम, यहाँ रखा है माइनस के 100 माइक्रो कूलम, और डी पर जरा मुझे बता दो प्लस में है या माइनस में है? प्लस में है, 75 माइक्रो कूलम। यार तुम एक बात बताओ, अगर मैं 25 माइक्रो कूलम को क्यू लेट कर दूं अपनी तरफ से, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए 25 माइक्रो कूलम को क्यू लेट कर दूं, क्यू 25 को मैंने क्यू मान लिया, तो 100 को मैं क्या लिखूंगा? 4 क्यू, क्या लिखेंगे? ठीक है, तो हम 100 को लिख देंगे 4 क्यू,
इसे कितना लिखेंगे 3q, इसे कितना लिखेंगे? मैं चाहता हूं कि वैल्यू ना बाद में पुट करनी पड़े, स्टार्टिंग से वैल्यू पुट करके ना चलो आप लोग, ठीक है? हमने लेट कर दिया है, लेट q इज इक्वल टू 25 माइक्रो कूलम। आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी वैल्यू पुट करके चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है वो बात, ठीक है? अच्छा, ये साइड हमें दे रखी है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 कैसे हो गए? ये पूरी 10 है, ये पूरी 10 है, और ये डी मिड पॉइंट है, तो ये 5, ये 5, ये 10 सेंटीमीटर है, और मीटर है, ये तो और अच्छी बात है यार, मीटर है तो। मीटर 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 मीटर, ठीक है? और ये जो 1 कूलम आप लोगों को दिख रहा है ना, मैंने इस 1 कूलम को लेट कर दिया है क्यू नॉट, क्या लेट कर दिया है? बाद में क्यू नॉट की जगह 1 कूलम पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है? चलो अब देखो कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा जरा। बिल्कुल, ये बताइए यहां कैसा चार्ज है? जब प्लस की वजह से यहां ये क्यू नॉट है और ये भी प्लस का है, जब इस प्लस की वजह से इस प्लस पर हम रिपल्शन निकालेंगे तो ये इधर जाएगा। अरे जाएगा या नहीं जाएगा? ये प्लस इस प्लस को जब रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, करेगा या नहीं करेगा जल्दी से बताओ? ये प्लस है यहां पर, ठीक है? ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। आगे समझ में? जल्दी बताओ, कोई परेशानी है तो? पक्का? ठीक है। एक फोर्स कहां काम कर रहा है? इधर। एक फोर्स कहां काम कर रहा है? इधर, ठीक है? ये कितना है? 4। ये कितना है? गैप कितना है इनके बीच में? मैंने फोर्स को मान लिया F। थोड़ा बुद्धि लगाना, सवाल को लंबा नहीं करना, बहुत कम स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है? किस तरीके से प्रॉब्लम को हम बनाएंगे? हमने इनके बीच के फोर्स को लेट कर दिया F, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक तो चार्जेस पर और एक उनके बीच के डिस्टेंस पर, ठीक है? यहां का चार्ज कितना है? 4q। यहां का चार्ज कितना है? क्यू नॉट। और उनके बीच का गैप कितना है? 10 मीटर। अब आप यहां आ जाइए, यहां चार्ज कितना है? मुंह में जबान नहीं रही, यहां कितना है? माइनस को छोड़ो, 4q है, जितना इस लाइन में था बिल्कुल उतना ही इस लाइन में है। ये कितना गैप है? ये भी कितना है? बताओ डेटा बिल्कुल सेम है या नहीं है? डेटा बिल्कुल सेम है ना, ठीक है? ये भी फोर्स F और ये भी फोर्स क्या हो गया? दोनों सेम कैसे हो गए? पीहू बताओ सेम कैसे हो गए? गैप भी सेम है और दोनों चार्ज भी सेम है, क्लियर हो गई ना बात? ये भी F और ये भी F। हमें प्रॉब्लम की लैंग्वेज में कहा है, हमें प्रॉब्लम की लैंग्वेज में कहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, और अगर ये 60 का होगा तो ये 120 का होगा। अरे भाई ये 60 का अगर हुआ तो ये कितने डिग्री का होगा? क्यों होगा 120 डिग्री का? एक लाइन पर बनने वाला पूरा एंगल 180 का होता है, ये 60 का हो गया तो ये 120 का हो गया। जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं आया? कोई परेशानी है किसी को? नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि ये फोर्स कितना है, ये भी कितना है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अगर दो सेम फोर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा तो रिजल्टेंट उनके बीच में जाएगा और वो F कहलाएगा। अगर दो सेम फोर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा बाइसेक्टर बनके, और वो भी F ही कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो हमने निकाल दिया, ये F, यानी इसका भी खेल खत्म हो गया, इसका भी खेल खत्म हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चला गया F। बताओ समझ में आया या नहीं आया? इतना जल्दी से बताओ, क्लियर है बिल्कुल? ओके, अब मुझे बताओ कि यहां कैसा चार्ज है? प्लस। और ये भी कैसा है? ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, कहां करेगा? हमने इसे क्या मान लिया? F डैश। हम ये कह सकते हैं कि एक फोर्स तो जा रहा है इधर, जा रहा है इधर, और एक फोर्स कहां जा रहा है, उसका नाम क्या है, और दोनों के बीच का एंगल, रिजल्टेंट कहां जाएगा? और जब दो फोर्स के बीच में रिजल्टेंट, दो फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है एक का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। लगता है कि समझ नहीं आई बात? पक्का?
अब हमें कुछ नहीं करना, बस f निकालना है और f डैश निकालना है और यहां पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है और आंसर। चलो पहले f निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? f बताओ किसके किसके बीच में काम कर रहा था। इन दोनों के बीच में भी f काम कर रहा था, इन दोनों के बीच में भी f काम कर रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट भी f है। समझ में आ रही बात? तो क्या तो आप इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो, वो भी f है, ठीक है, या इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो, वो भी f है। ये 4 क्यों मान के हम लोगों ने गलती की है, सही नहीं किया। यहाँ पर वो दोबारा से वही लेट कर दो जो पहले था। क्या था भाई? माइनस के 100 माइक्रोकुलम। यहाँ कितना था और यहाँ कितना है? फायदा इससे ना कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है ऐसे, ठीक है। एफ निकाल देते हैं। एफ 9 × 10⁻¹ एक चार्ज कितना है? 100 × 10⁻⁶ यहाँ का चार्ज क्यू नॉट हमने क्या माना था बेटा? 1 कूलम। अरे 1 कूलम कोई तो क्यू नॉट माना था, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 1। और इनके बीच का गैप कितना हो गया? 10 मीटर ही है स्क्वायर। निकल गई f की वैल्यू। अब निकालते हैं f डैश। क्या निकालते हैं? 9 × 10⁹ एक चार्ज है ये। 75 × 10⁻¹ यहां का चार्ज कितना है? 1। इनके बीच का सेपरेशन देखो कितना आएगा, ये कितना है? 10। ये कितना है? 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये वाला सेपरेशन निकालो कितना होगा, कितना आएगा? अंडर रूट 75 का स्क्वायर कर दोगे तो 75 ही आ जाएगा। अंडर रूट 75 का स्क्वायर करोगे तो 75 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये f की वैल्यू निकल गई और ये किसकी वैल्यू निकली? f डैश। कैलकुलेट तुम्हें करना पड़ेगा, कैलकुलेट करो, यहां उठा के पुट करो, रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। बता समझ में आया नहीं आया? तो बस a की जगह रख दिया f और b की जगह रख दिया f डैश और थीटा हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो हो गया और 2ab cos 90 जीरो, खत्म, ठीक है। अब बड़ी हो गई है तो वो फॉर्मूला ना यूज किया कर, ठीक है, वो 11th क्लास के लिए था फॉर्मूला। अब तुम 12th में प्रमोट हो गए तो 12th वाला फॉर्मूला यूज करो। तो बच्चों बताओ कि आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अमान अहमद, मतलब यस सर वाला काम नहीं है वो, ये फाइनल फिनिशिंग है, क्लियर होना ही चाहिए। नहीं है तो क्लियर कर लो मुझसे, ठीक है, मैं अभी क्लास में हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां भी परेशानी है, जो चीज समझ नहीं आ रही है, मुझसे क्लियर कर लो। बहुत टाइम है हमारे पास में, 11-12 दिन है आराम से, नहीं बहुत अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाएगा, तो उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आप लोगों को समस्या आ रही है वो क्लियर करके चलना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अंडर रूट 75 बच्चों ने ही बताया था, हमने यहाँ 75 लिख दिया। अंडर रूट 75 का स्क्वायर करोगे तो 75 आ जाएगा। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना और मीटर में, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 100। 5 का स्क्वायर 25, हाँ 75 ही आएगा। अंडर रूट 75 उसका स्क्वायर करोगे तो 75 बन जाएगा, ठीक है। कौन से वाले में? इक्विलेटरल टाइम वाला हाइट का फार्मूला लगा। कौन कितनी होती है हाइट? अंडर रूट 3/2 फेस हो गया वो ट्रिग्नोमेट्री से। नहीं निकाल दो, तुम्हारी इच्छा है यार, कैसे भी निकाल दो। अब सर थोड़ी फुड़ाना है कि वो इसी तरीके से, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है वैसे निकाल के रख दो। यहां पर ये वाला एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 60 tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं बढ़ूँ आगे भाई, समझ आ गया? देखो एक चीज और देखो जरा ध्यान से, बस बातें मत करो।
लो भाई बच्चों ये है प्रॉब्लम, आपको P वाले पॉइंट पर फोर्स निकालना है कितना होगा, और ये आपके सामने जो ट्राइंगल है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलो कैसे निकालोगे, ये साइड भी x, ये साइड भी x, ये हो जाएगा x बाय टू, ये भी x बाय टू और ये भी x, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन से पॉइंट पर आपको फोर्स निकालना है, और P के आसपास कितने चार्ज रखे हैं, तीन, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। जब इस प्लस की वजह से इस प्लस पर यानी यहाँ निकालेंगे तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, अरे करेगा भाई, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, तिशा तुम बताओ सेम क्यों होगी, सेम चार्ज जो पेयर बन रहे हैं वो सेम है, बिल्कुल सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो ये फोर्स भी कितना हो गया F, ये फोर्स भी कितना हो गया, ये एक फोर्स हो गया इसकी वजह से, एक हो गया इसकी वजह से, एक और फोर्स अभी काम कर रहा होगा, मुस्कान बताओ कहां काम करेगा एक और फोर्स, तो कहां, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, इसकी वजह से यहां काम करेगा ना, तो ये कैसा है और ये कैसा है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अपने इस फोर्स को क्या नाम दे दिया, बताओ P वाले पॉइंट पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, अरे जल्दी बोलो यार, P वाले पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तीन फोर्स, ये कितना है, ये कितना है, ये इनके बीच का एंगल बताओ कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 120 डिग्री होगा, दोनों सेम फोर्स है, अबे है या नहीं है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, वो भी F ही कहलाएगा, आगे समझ में, इसका और इसका रिजल्टेंट बीच में जाएगा वो भी F कहलाएगा। अब बताओ सारे कुल मिलाकर आपके पास में कितने फोर्स बचे, एक ये और एक ये, अलग से बना दो इन्हें, ठीक है, P पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर काम कर रहा है, एक नीचे काम कर रहा है, ये नीचे काम कर रहा है F डैश, इधर काम कर रहा है F, कितने डिग्री का एंगल है, बताओ रिजल्टेंट कहां जाएगा, यहां जाएगा रिजल्टेंट, कितनी होगी रिजल्टेंट की वैल्यू, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस, अब मुझे आप F की वैल्यू बता दीजिए कितनी होने वाली है, F, F खाली ओनली F कितना होगा, ओनली F, F होगा, इन दोनों के बीच में भी F काम कर रहा है और इन दोनों के बीच में भी F काम कर रहा है, F की वैल्यू होगी K Q Q नॉट अपॉन X स्क्वायर, F डैश की वैल्यू बताइए कितनी होगी, बताओ आदित्य F डैश कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये बोलो, इतनी होगी या कुछ और आएगी, अब क्या तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल दो या आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल दो, ये वाला एंगल कितने डिग्री है, हाइपोटेनियस हो गया x, बेस हो गया x बाय टू, परपेंडिकुलर निकल जाएगा यहां से अंडर रूट 3x बाय टू, समझ में आया, उसे उठाकर यहां पुट कर दो, अंडर रूट 3x बाय टू का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है f की, ये किसकी वैल्यू है f डैश की, ऊपर पुट करो कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्का, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो भाई अभी हमारा लगेगी शायद एक क्लास तो और लगेगी इसके ऊपर अभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं और कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में, वो भी मुझे बताने हैं आप लोगों को, तो एक डेढ़ दिन तो और लग जाएगा इसके अंदर, और इसके तुरंत बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एंड वर्क डन, ठीक है, ये सारी चीजें हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके तुरंत बाद।